शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने महेश्वरी समाज एजुकेशन कमेटी द्वारा प्रकाशित इंटीग्रेटेड बुक का विमोचन किया। मंत्री डोटासरा ने कहा कि ये नया प्रयोग है, आज के समय में इस तरह की पुस्तक की जरूरत है। राजस्थान सरकार ने बस्ते के बोझ को कम करने की पहल की थी, उसे महेश्वरी एजुकेशन सोसाइटी ने आगे बढ़ाते हुए ये पहल की। वहीं महेश्वरी समाज के अध्यक्ष प्रदीप बाहेती ने ये बताया कि बच्चों के बस्तों में बोझ एक समस्या बनता जा रहा है, उसको देखते हुए CBSE पाठ्यक्रम के अनुसार पुस्तक को तैयार किया गया है और इस पुस्तक में सभी विषयों को शामिल भी किया गया है। अब बच्चों को एक महीने में एक ही पुस्तक ले जानी पड़ेगी, जिससे बच्चों को बस्ते के बोझ से राहत मिलेगी। देखिए, ऑनलाइन हमारी मजबूरी है, बाकी तो जो स्कूलों में आके बच्चे पढ़ेगा तभी वो अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा ले पाएगा, लेकिन जब कोरोना संक्रमण आ गया तो हमारी मजबूरी होगी कि हमें स्कूलों की छुट्टियां करनी पड़ी और बच्चों को घर में रहना पड़ा। तो जो संसाधन हमारे पास थे सरकार में या प्राइवेटों के पास में, उन संसाधनों से हमने बच्चों को शिक्षण सामग्री परोसने का काम किया है। मैं समझता हूँ ईश्वर ऐसा काल नहीं दिखाए, आगे कभी इस तरह की विपदा नहीं आए, लेकिन निश्चित रूप से हम लोगों को इस बात के लिए जरूर सोचने के लिए मजबूर किया है कि अगर इस तरीके का कोई दोबारा कोई इस तरीके की बात आ गई तो हमको हमारे बच्चों के भविष्य के लिए किस प्रकार उसको पढ़ाने के लिए व्यवस्था करनी होगी, तो इस बात में सोचने के लिए ज़रूर हमें मजबूर किया है। आज आप देख सकते हैं कि अमेरिका, लंदन जैसे जो देश हैं, विकसित देश हैं, वहाँ पर ऑनलाइन बहुत पहले से हैं, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे वहाँ जा कर के पढ़ के आते हैं। यानी ऑनलाइन मतलब कोई बहुत अच्छा नहीं है कि ऑनलाइन से सारी पढ़ाई हो जाएगी, लेकिन जब मजबूरी है, जब स्कूलों में बच्चों को नहीं हम भेज सकते, नहीं ला सकते, तो मैं समझता हूं उनके लिए शिक्षण सामग्री ऑनलाइन ही एकमात्र विकल्प है। उन्हें अच्छे संस्कार मिलेंगे और अच्छी शिक्षा मिलेगी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने इस पुस्तक का विमोचन किया। इंटीग्रेटेड बुक का प्रकाशन महेश्वरी समाज की ओर से किया गया। बहुत अच्छी पहल यह है, क्योंकि अब बच्चों को एक महीने में एक ही किताब लेके जानी पड़ेगी और जो बस्ते का बोझ है उससे बच्चों को राहत मिलेगी।